भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाओं को आज समंदर में उतार दिया गया है। मुंबई के मझगांव यार्ड से पूजा पाठ के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने इसे समंदर में लॉन्च किया। हालांकि यह युद्धपोत करीब 2 साल बाद नौसेना में शामिल किया जाएगा। मोर मुगाओ नौसेना के कोलकाता क्लास का दूसरा विनाशक जहाज है। इस क्लास का पहला जहाज विशाखापट्टनम में बनकर तैयार होने वाला है। मोर मुगाओ अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये नौसेना के बेड़े में शामिल होगा तो इसे INS मोर मुगाओ के नाम से जाना जाएगा। मोर मुगाओ नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह से लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मोर मुगाओ की क्या खासियत है। यह युद्धपोत मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है क्योंकि इसे स्टेट तकनीक से बनाया गया है। ये परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध के समय भी बचाव करने में सक्षम है। इस पोत का वजन 7300 टन और लंबाई 105 मीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पोत को बनाने में करीब 70% देशी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगने वाले हथियार भी देश में बने हैं। इस पोत में 8 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जाएंगी। मोर मुगाओं की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 75,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। साथ ही इस पोत पर 50 अधिकारियों समेत 309 सैनिक तैनात रहेंगे। मोर मुगाओ में इजराइल का मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार MF स्टोर लगाया जाएगा। यह कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान लेगा और दुश्मन के रडार पर आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। इससे मिसाइल का निशाना सटीक होगा। ये उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से निशाना लगा लेगी। आपको बता दें कि भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर 54 युद्धपोत और पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। भारतीय नौसेना के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जन भर पनडुब्बियों सहित कुल 150 छोटे बड़े जंगी जहाज हैं। लेकिन नौसेना में मोर मुगाओ युद्धपोत का शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। देखते रहिए टीवी लाइव।